2025 में अपना प्यारा भारत फिर से एक बार इतिहास रचने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारत इंसान को 2025 में अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत इंसान को समुद्र की गहराई में भेजने जा रहा है। और ये दोनों मिशन भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा पहली बार होगा जब भारत के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, वो भी अपने स्पेस क्राफ्ट से। वहीं दूसरी ओर समुद्र की गहराई में, वहां पर जाने के लिए भी हमने एक इकोसिस्टम पनडुब्बी को तैयार किया है जो समुद्र की गहराई में जाएगा करीबन 6000 मीटर नीचे और समुद्र के अंदर एक्सप्लोर करेगा। तो आइए जानते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरह से भारत स्पेस में भी अपना परचम लहराने वाला है और समुद्र के गहराई में भी परचम लहराने वाला है। आखिर क्यों है ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे लिए खास, कैसे भारत इतिहास रचेगा 2025 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, अब अपना प्यारा भारत साइंस के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के बाद से भारत लगातार कई सारे मिशन में जुड़ चुका है, चाहे वो आदित्य L1 हो या फिर अलग अलग कंट्रियों के सैटेलाइट को लॉन्च करना हो, हर चीज में भारत बढ़ चढ़ के प्रयास कर रहा है। आपको बता दें गाइस कि भारत काफी लंबे समय से गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने भारत के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजने वाले हैं 3 दिन के लिए। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। वहीं दूसरी ओर समुद्र के अंदर भी हम लोग इंसान को भेजने वाले हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत 2025 तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पहला मानव भेजेगा। जी हां गाइस, समुद्र के अंदर भी हमने इतनी गहराई तक मानव को नहीं भेजा है और अंतरिक्ष में भी हमने मानव को नहीं भेजा है। हां, अमेरिका और रूस के द्वारा भारत के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा गया है, लेकिन भारत ने कभी नहीं भेजा है। ये चीज भारत पहली बार खुद से करने जा रहा है और ये दोनों काम 2025 में किया जाएगा। मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों, 3 ग्रुप कैप्टन और 1 विंग कमांडर का चयन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के गगनयान मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में 3 दिवसीय मानव मिशन भेजना है। मिशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करके वापस लौटेगा। भारतीय वायुसेना के 4 ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णानंद और अंगद प्रताप तथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को 2025 के निर्धारित मिशन के लिए चुना गया है। इसी मीटिंग में एक और चीज बताया गया, डीप सी मिशन 2025 में 3 भारतीयों को गहरे समुद्र में भेजेगा। हिंद महासागर के मध्य में 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाला एक चालक दल अभियान होगा। मतलब कि भारत हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई में इंसान को भेजेगा एक पनडुब्बी के जरिए। उन्होंने कहा कि रॉकेट और उपग्रहों को लॉन्च करने के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र, कृषि, बुनियादी ढांचे, संचार, स्वास्थ्य सेवा आदि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारे पास केवल एक अंतरिक्ष स्टार्टअप था और 2024 में अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी भागीदारी के खोलने के बाद हमारे पास लगभग 200 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। जी हां गाइस, पहले क्या होता था कि स्पेस वगैरह में रिसर्च करने के लिए भारत सरकार के पास सिर्फ इसरो था, लेकिन भारत सरकार ने एक नियम लाया और प्राइवेट सेक्टर को भी छूट दिया कि अब आप लोग भी अंतरिक्ष में इन सारी जगहों में रिसर्च कीजिए। और इस प्रकार भारत के कई सारे प्राइवेट कंपनी सामने आए और अभी भारत में 200 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनी है जो इन क्षेत्रों में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ ही महीनों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आया है। आपको बता दें गाइस कि गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन मिशन होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थापित करेंगे। यह मिशन 3 दिन का होगा। अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने के बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में सुरक्षित लैंड करवाया जाएगा और धरती पर वापस लाया जाएगा। इस मिशन में तेजी से काम हो रहा है, इन सारी चीजों का टेस्टिंग पहले से ही हो चुका है। किस तरह से हम लोग लैंड करवाएंगे इंसान को, इन सारी चीजों की तैयारी हो चुकी है। अक्टूबर 2023 में गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट TVD-1 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था कि क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करना। गगनयान के इस परीक्षण से टेस्ट किया गया कि अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है तो हमारे अंतरिक्ष यात्री को किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। इन सारे चीजों का टेस्टिंग पहले ही हो चुका है, आज से 2 साल पहले। गगनयान मिशन का लक्ष्य है 2025 में भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने का और इस चीज की चर्चा लोकसभा में हो चुकी है।
तो एक ओर भारत का गगनयान मिशन तैयार है, वहीं दूसरी ओर भारत का समुद्रयान मिशन भी तैयार है। 2025 में भारत दो दो इतिहास को रचने जा रहा है। भारत का समुद्रयान मिशन, जिसे कि मत्स्य 6000 भी बोलते हैं, भारत का ये मिशन भी पूरी तरह से तैयार है। ये गहरे समुद्र में छिपे हुए रहस्यों को जानने में हमारी मदद करेगा। इसके मदद से हम लोग अपने हिंद महासागर में समुद्र के नीचे छुपे हुए रहस्य को जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या खनिज पदार्थ हैं, किस तरह के यहाँ पर जीव हैं, इन सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। तो गाइस, ये दोनों प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2025 में लॉन्च होने वाला है। इसकी लॉन्चिंग डेट अभी सामने नहीं आई है, जैसे ही इसकी लॉन्चिंग डेट सामने आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा, लेकिन ये दोनों मिशन को 2025 में ही लॉन्च किया जाएगा, ये कंफर्म है। तो आने वाला टाइम काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, भारत कई सारे इतिहास को रचने वाला है। चंद्रयान 4 पर भी तैयारी चल रही है, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को बनाने की भी तैयारी चल रही है, समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए भी कई सारे मिशन को तैयार किया जा रहा है। इन सब पर जैसे ही अलग अलग अपडेट आएंगे उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाता रहूंगा। बाकी आप भारत के इन दोनों मिशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।